नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके लिए जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपके लिए मैं स्पीडी करंट अफेयर का यहाँ पे जो वार्षिक अंक आता है, ठीक है, पूरे साल का जो MCQ बेस पे जो 700+ MCQ वीडियो जो बुक आती है, ठीक है, तो उसका पार्ट लेके आए हूँ। इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे हम, 250+ क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट, तीन पार्ट आएंगे टोटल, जिसमें हम पूरे 800 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगामी आपके जो भी एग्जाम है, ठीक है, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो SI का एग्जाम आने वाला है, कनिष्क का एग्जाम आने वाला है और लेक्चर का एग्जाम आने वाला है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पेस्ट बन चुकी है, आप पेस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? ये शुरू किया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल STARC समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम है, कौन सी थीम है ये, इसमें है विश्व मधुमेह दिवस। निम्न में से किसे बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 से जीता है, ये जीता किसके द्वारा जीता गया है, सामंत हार्वे के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है आपकी दरभंगा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है, CISF का गठन कब किया गया था, इसका गठन हुआ था आप 1969 में। किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अभिषेक बच्चन, सुनील देओल, इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सोनू सूद। आठवां क्वेश्चन है, अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अमेजॉन इंजीनियर मैक्रोस्पेस लॉन्च किया है, ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका बेंगलुरु में। हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ, पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है, ठीक है, तो पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है आपका, ऊंट मेला। रेवरेंड एरिक कुमेटियो को 2024 में जमन्नाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया गांधीवादी सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये किया गया आपका नई दिल्ली में। बारवां है, मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया गया आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तेरहवां है, वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये किया गया था आपका 43वां संस्करण यहाँ पे आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आपकी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इन नाउ, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, नवीन रामगुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, ये चुना गया है आपका मॉरिशस का। अगला है, भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया है, इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था बिली। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव आपके विक्रम मिस्त्री। 18वां है, नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में किस किन सेनाओं ने भाग लिया, ठीक है, तो ये भाग लिया गया है भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों ने यहाँ पे भाग लिया है। 19वां है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये जीता गया आपका पंकज आडवाणी के द्वारा। अक्टूबर 2020 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया कैर किस देश की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये हैं आपकी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। 21वां क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है फिलिप रोजर नायस को। 22वां क्वेश्चन है, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP 29 जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर तक कहाँ पर किया गया है, ये इसका आयोजन किया गया था, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया है अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन है,
तेईसवा क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, पंडित नाम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इनका संबंध था आपका सारंगी से। अगला है 24 नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? इसका फाइनल जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यहाँ पे 51 बन गए हैं, ठीक है, चंद्रचूड़ की जगह आप नहीं बन गए, संजीव खन्ना जो कि हमारे क्या है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको आप याद रखना, और 51 नंबर के यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। 26वां है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ये किया गया आपका बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया है। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया आपका किसको? मोहम्मद तैयब इकराम को। भारत और किस देश के बीच पासियर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है आपका रूस के साथ। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया आपका हरमनप्रीत सिंह के द्वारा, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री को फिक्की की फुल फॉर्म है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार फिक्की की फुल फॉर्म, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष यहाँ पे किसको चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। 34वां क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्री हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए इसके नाम पे यहाँ पे छुपा हुआ है, कभी पूछेगा ऑस्ट्री हिंद किसके बीच है, तो ऑस्ट्रेलिया और ट्राई एक्सरसाइज इंडिया एंड हिंद, हिंद मतलब हिंदी से कहते हैं, ठीक है, हिंद देश कहते हैं हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसका आयोजन यहाँ पे कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया आपका पुणे में, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है चर्चा में ये बुक द सटैनिक वर्सेज किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी सलमान रशीद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होम यहाँ पे हो जाएगा। 36वां है, नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका एस गोपाल कृष्णन को। 37वां है, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया आपका सिंगापुर में। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके शतरंज से। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? ये किया गया आपका भूटान बॉर्डर पे। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया आपका गुजरात। 41वां है, 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज किया है? ठीक है, तो ये होगा आपका एस अजीज वासा बनाम भारत सरकार जो केस था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वां है, किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इसका किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में, ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए 43वां है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ये किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, उत्तराखंड अलग से राज्य यहाँ पे बना था। निम्न में से कौन रून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपका शिव नारद एवं फैमिली। 46वां क्वेश्चन है, 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया आपका नितिन गडकरी जी के द्वारा। नवंबर 2024 में किसे 30वें रोहिणी नेवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपका अनिल प्रधान को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? ये रहा आपका पैंगिंग विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? ये जीता गया आपका तनुश्री पांडे के द्वारा। 50वां क्वेश्चन है, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है?
ठीक है, ये बनाया था आपका मैरी क्यूरी के याद में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में निगोल चोकोबा उत्सव मनाया गया था? ये मनाया गया आपका मणिपुर में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी गई आपकी 35%। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। बुक रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ये कुछ बुक पूछा जा सकती है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि रतन टाटा के डिसीजन में डेथ हुई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी थॉमस मैथ्यू के द्वारा। भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइड पिस्टल का नाम क्या है? तो ये है आपका पंतम, ठीक है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 83। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना, चीता प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? ये किया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा। 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेघावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम है आपका पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, ठीक है, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका का 47th राष्ट्रपति फिर चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप फिर से सेकेंड टाइम यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। कमला हैरिस को इनके द्वारा हराया गया है, और अभी जो वहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो आपके जो बाइडन हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है? शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? देखिए जो छठ मैया वाला गाना भी आपने सुना होगा, देखिए बिहार में छठ पूजा बनाई जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा गाती थी, ठीक है, उस मतलब इनके द्वारा छठ के गीत भी गाए गए थे, तो छठ के दिन इनकी डेथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इनको बोला गया कि पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था? तो इनको किया गया था 2018 में। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिंगनोसैट लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा आपका जापान के द्वारा। 62वां क्वेश्चन है, बुक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटजी पार्टनर किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है आपकी श्रीराम चोलिया के द्वारा। 63वां क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका संजय कुमार वर्मा को। अश्मि क्या है जिसे भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया है? ठीक, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से अश्मि क्या है, तो अश्मि क्या है, एक टाइप क्या है आपका, एक मशीन पिस्टॉल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 65वां है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? ये जीता गया आपका मनदीप जागरा के द्वारा। भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास मिम्बेक्स 2024 के 5th एडिशन का आयोजन किस स्थान में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका अम्बाला हरियाणा में। 68वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए रिसेंट में अभी जम्मू कश्मीर इलेक्शन हुए हैं 10 साल के बाद, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो वहाँ के स्पीकर है विधानसभा के, ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है अब्दुल रहीम राठौर को। नवंबर 2024 में मैलोरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये बनाया गया आपका नागालैंड में। 70वां क्वेश्चन है, भारत की किस लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है, ये है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओजन ऑफ नो, ठीक है, तो सनफ्लावर से वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका छठ पूजा, जो कि पूर्वांचल में खासकर बिहार और जो पूर्वांचल वाला एरिया आता है वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है। 72वां है, नवंबर 2024 में फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, ये बन गए हैं आपके एनिस सरकार। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया? देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका गुड़गांव में, ठीक है, इंडिया में एक ही हेडक्वार्टर है जो इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे इसका महानिदेशक किसे चुना गया है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीष खन्ना को। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जीते गए भारत के पदक है 17 मेडल। वर्ल्ड ट्रेवल्स मार्केट 2024 का मेजबान कौन सा शहर बन गया है? ये बन गया आपका लंदन। किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका
अमित शाह के द्वारा, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। 76वां रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है या किस देश के राष्ट्रपति? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अपना 76वां रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए जो यहाँ पे मुख्य अतिथि, हर साल कोई नए आते हैं हर देश से, तो इस बार प्रबोवो सुबियांतो आ रहे हैं और ये पहले भी न्यूज़ में थे, इनका नाम आपने सुना होगा करंट अफेयर में, तो ये है इंडोनेशिया के, ठीक है, रिसेंट में ये बने थे वहाँ के। अगला है, 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिका में जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मथुला पोछी बंदरगाह के विकास के लिए 170 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरल में। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया? देखिए, पहला देश तो भारत था जिसने मना किया था, दूसरा देश जो बन गया वो बन गया आपका ब्राज़ील। तो याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दूसरा देश कौन सा बन गया जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ब्राज़ील हो जाएगा, पहला आपका भारत था, ऑप्शन नंबर बी। 82वां क्वेश्चन है, टाइफून कोंगरे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया? ये क्या आपका ताइवान को, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो फूलों की घाटी पर्यटन कहाँ कौन से में है? यह आपका उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्यौहार को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? जो यहाँ पे वस्तु बरस, दिवाली के अगले दिन जो होता है वस्तु बरस मनाते हैं और नया साल, गुजराती नया साल इस दिन मनाते हैं, ठीक है। डुमा बाको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो डुमा बाको कहाँ के हैं? ये हैं आपके बोस्वाना के। 86वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार का 2024 का आयोजन किया गया? ठीक है, ब्रज प्रहार क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये है आपका अमेरिका और भारत के बीच में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की हुई है? तो ये की हुई है आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कॉलियंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ये हो जाएगा बैरेट। भारत की कृष्णा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता गया है इनके द्वारा, स्वर्ण पदक। 90वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, UK SSC खासकर ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा पूछ रहा है आजकल, ठीक है। तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इसका संबंध हो जाएगा आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया आपका जिनेवा में। कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है आपका अरुण योगीराज को। अभी योगी आपने देखा होगा इनके द्वारा जो केदारनाथ में जो शंकराचार्य जी की मूर्ति है वही बनाई गई थी, फिर साथ में अभी रिसेंट में जो राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति लगाई गई है वो भी योगीराज जी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, 93वां क्वेश्चन है, हाल ही में TP गोपालन नामवियार का निधन हो गया है, यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? तो ये थे आपके BPL के। युद्ध अभ्यास, ठीक है, इसमें देखिए गरुड़ शक्ति 2024 का भारत और किस, देखिए गरुड़ शक्ति किसके बीच है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, इंडोनेशिया और भारत के बीच है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो रक्षा सचिव का जो पदभार ग्रहण किया हुआ है ये किया है आपका राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा। दीपावली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका कार्तिक माह में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया आपका 69वां स्थापना दिवस। अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवरॉय का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध है आपका अर्थशास्त्र से। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान में पर बनाया गया है, स्थान पर गया है? ठीक है, ये हुआ है आपका लेह में। 100वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका उत्तर कोरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 101वां क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई, ये की गई आपकी अहमदाबाद में। 102वां क्वेश्चन है, चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई? ठीक है, जो ड्रोन दीदी योजना है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई आपकी नवंबर 2023 में। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस स्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया आपका नई दिल्ली में, और किसके द्वारा किया गया है, RPF के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की है? अब क्वेश्चन पूछेगा कि संजीवनी क्या है, तो ये क्या है, एयर एम्बुलेंस सेवा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, एम्स ऋषिकेश से। 105वां क्वेश्चन है, किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डी ओ, देखिए फुटबॉल के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है, बैलन ओ डी पुरस्कार दिया जाता है अवार्ड, तो 2024 का ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था आपका अलंता बारामोटी को, ठीक है, बोनमती को। अगला है 106वां, अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पद ग्रहण किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो है वो कौन बने अभी, ये बने आपके विपिन कुमार जी। भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो कौन कौन मनाएंगे, ये बनाएंगे आप भारत और स्पेन मिलकर बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा बैंक रहेगा, तो ये रहेगा आपका SBI। अगला है, किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो मैथ्यू वेड कहाँ खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है आपकी 79। अगला है, प्रसिद्ध लोक नृत्यक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया है, इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका संबंध था आपका घुसाड़ी से। अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन सैन्य संचालन के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है आपका राजीव घई के द्वारा। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये की गई है आपकी 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है थैचर विश्वनाथ नरेंद्रन को। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मुर्मूगांव बंदरगाह। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन किया गया आपका सिंगापुर में। फर्स्ट ग्लोबल नेचुरल कन्वेंशन इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? इसमें भारत की रैंक है आपकी 176। सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पेगमेंट मिस ग्रांड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये बन गई है रचेल गुप्ता। ठीक है, WTT चैंपियनशिप इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बनी है मनिका बत्रा। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने का पदभार यहाँ पे संभाला है? तो ये है हमारे ये है संजीव खन्ना जी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला है, 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका भारत में। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल का संबंध आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ठीक है, देखिए इसे नाम से लगता है सिंगापुर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 124वां क्वेश्चन है, शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके अर्जुन रिंगसी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, आप किसके ऊपर बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कह रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख से रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दिया गया है?
तो इसको बढ़ा के कर दिया गया आपका 20 लाख रुपये। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में की जा रही है, तो कहाँ पर की जा रही है? ये की जा रही है आपकी नागायलंका में, ठीक है। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बिहार राज्य का पहला ड्राई फोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका पटना में। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी गई आपका 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई है। 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 16वें जो इंडिया है इसका किया जाएगा आपका गुरुग्राम में, ठीक है, 16वें इंडियन ओपन का आयोजन। 55वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो फोकस देश चुना गया था आपका ऑस्ट्रेलिया को। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका बारैया सेनापति को। तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। हान नदी किस देश में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो हान नदी बहती है आपका साउथ कोरिया में। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया आपका उर्मिला चौधरी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? ठीक है, तो पहले टाइफाइड टीके का नाम है आपका टाइवेस TCV। अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होमगार्ड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका गांधीनगर में। निम्न में से कौन सा वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो है आपका लुआंग कुआंग, ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ भारत की यूपीआई सेवा को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये प्रदान की गई है मालदीव के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में से निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो इसमें आपका इन सभी को शामिल नहीं किया गया है, क्रिकेट, हॉकी और शूटिंग को, ठीक है। चर्चा में रहा करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ठीक है, तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, करतारपुर कॉरिडोर भी कहा जाता है इसको, गलियारा मतलब कॉरिडोर, ठीक है। अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया आपका मृत्युंजय कुमार नारायण का। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया है? तो भारत की GDP की अनुमान लगाया है 7%। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, हर 2 साल बाद यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने वाला है, ये मनाया जाने वाला है आपका उड़ीसा में। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया गया है आपका इजिप्त को। अगला है, एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट का 69वां सदस्य देश कौन सा बन गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी एग्जामों के लिए। तो इजराइल को यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अगला है, बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक है, तो ये आत्मकथा है आपकी साक्षी मलिक की। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आपका स्विट्जरलैंड। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका गोवा में। गोवा होता है। हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था आपका क्यूबा हुआ था, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2024 में मंजूरी यहाँ पे प्रदान की है? ठीक है, तो कितने जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पे की गई है? तो ये की गई है आपकी 50 नेशनल हाईवेज को यहाँ पे क्या किया गया है, मंजूरी मिली हुई है, ठीक है। चलिए, भारत और सिंगापुर वायुसेना के मध्य में संयुक्त सैन्य परीक्षण के दौरान कौन से संस्करण का आयोजन यहाँ पे किया गया? तो ये किया गया 12वें संस्करण का।
हाल ही में चर्चा में रहे भारत के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध आपका टेनिस से। भारत ने कालका आजार रोग को खत्म करने के लिए, ठीक, काला आजार करके एक रोग होता है, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए सफलता हासिल की है। वह रोग किससे फैलता था? तो ये रोग फैलता था आपका पारासाइट से फैलता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 165वां क्वेश्चन, सॉरी 155वां क्वेश्चन। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका हरियाणा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। इन शब्दों को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर, इन तीन शब्दों को यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 157वां क्वेश्चन। 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है आपका न्यूजीलैंड के द्वारा, और ये हुए कहाँ पे थे? दुबई में हुए थे। पहले ये आपके बांग्लादेश में होने वाले थे, बट बांग्लादेश में आपने देखा रिसेंट में जो वहाँ सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होती है, जिसकी वजह से वहाँ इसको शिफ्ट करके दुबई में करा दिया जाता है, UAE में, ठीक है। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया? ठीक है, दाना जो आया था आपका बंगाल में आया था, तो दाना का जो नामकरण किया था वो किया था आपका सऊदी अरब के द्वारा। नौसैनिक अभ्यास नसीम उल बह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और ओमान के मध्य। अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पद की शपथ ली है? ठीक है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की शपथ किसने ली? प्रबोतो सुबियांतो। और यही इस बार हमारे 2025 में 26 जनवरी की परेड में यहाँ मुख्य अतिथि होने वाले हैं। चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ये आपका जो फ्लाइट होती है उससे हर आम आदमी को उड़ाने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। तो ये 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। IPS अजय कुमार सिंह को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इनको झारखंड का। निम्न में से किसे इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका अभ्युदय जिंदाल को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो अंबिकापुर हवाई अड्डा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आपका। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया है आपका कजान में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है आपका विजया रहाटकर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा पदक जीते गए हैं आपके 4। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर बने हैं? ठीक है, ये बन गए भारत के चतुर्थ क्रिकेटर। तेलंगाना राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका ए मुरली। ACC T20 इमर्जिंग टर्म्स एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन किया गया ओमान में। किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकवर्न इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका नारायण मूर्ति को। निम्न में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का 181वां सदस्य बन गया है? तो ये कौन से बने? ये बने हैं जमैका बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 173वां क्वेश्चन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में की गई थी? तो कहाँ पे की गई? ये की गई है नई दिल्ली में, पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेयर्स मास्टर्स कप 2024 जीता है? ठीक है, ये जीता गया है आपका अर्जुन एरिगेसी के द्वारा। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कटी बिहू विस्तृत हुआ आपका असम में। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? ये किया गया आपका नोएडा में किया गया है सरस आजीविका मेला। ठीक है, किस राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6(a) को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है? ये हो जाएगा आपका असम। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा जगह? ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? मेथनॉल सेमिनार जो हुआ था अभी,
ये जिसके भी हुआ है, ये हुआ आपका नीति आयोग, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है, ये की गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहाँ पे की गई है। राज्य में चर्चा में रहा पीएम गति शक्ति कब लॉन्च किया गया, तो पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई 2021 में की गई है। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे पीएम गति शक्ति किससे रिलेटेड है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका लद्दाख में। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलाई, ठीक है। तो अभी इलेक्शन रिसेंट में इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, तो फिर से यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है यहाँ पर, मुख्यमंत्री कौन है, नायाब सिंह सैनी जी हैं, तो इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, तो बड़ाड़ू दत्तात्रेय, ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये बन गई है मीतू डेविड। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया आपका नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, तो ये जीता गया आपका निकिता पोरवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में। अक्टूबर 2024 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया है, तो किया गया अल्जीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नॉन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है, तो ये किसके द्वारा जीता गया, जीता गया आपका सिस्टर रुजिता मिलेसी के द्वारा। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है, इसका नाम रख दिया गया आपका कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। निम्नलिखित में से किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी की है, तो ये मेजबानी की हुई है, जो ये की हुई है पाकिस्तान के द्वारा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लियर लॉन्च किया है, क्लीफर, ठीक है, यूरोपा क्लीफर लॉन्च किया है, तो ये किया गया आपका नासा के द्वारा। देश का पहला अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका वाराणसी में। 196वां क्वेश्चन है, चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में है, तो रूपकुंड झील है आपकी उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना द्वारा 2 मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का क्या नाम है, तो इस पोत का जो नाम है तो वो है आपका समर्थक, ठीक है, समर्थक। अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आपका परमेश सिरमणि को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दमनगंगा बैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना और दमनगंगा एकदारे गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है, तो ये किसकी है, ये है महाराष्ट्र की। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है, तो ये मिला हुआ है आपका उड़ीसा को। GHI, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसमें आपकी 105वीं रैंक। वुमेन्स T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली पहली युवा प्लेयर कौन बन गई है, ठीक है, तो सबसे युवा प्लेयर की बात करेंगे तो ये बनी है शेफाली वर्मा। हाल ही में मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है, तो ये किया गया आपका अमेरिका को। निम्न में से किस स्थान पर वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये क्या है, सिक्किम और नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला 26वां क्वेश्चन है, रतन टाटा के स्थान पर किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, तो नेवल टाटा को यहाँ पे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय हमसफर पॉलिसी लॉन्च की है, किस मंत्रालय ने, ठीक है, तो हमसफर पॉलिसी यूज बनाई गई है मिनिस्ट्री एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अक्टूबर 2024 में पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया है, इन्हें किस क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, ठीक है, इनको ये दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था।
अगला है 2024 में शांतिका नोबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, शांतिका नोबल दिया है निहोम हिंडोकोया ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इंपोर्टेंट है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 में। 44वें एंड 45वें एशियन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, ये किया गया लाओस में। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है, ये जीता गया है कांस्य पदक। अक्टूबर 2024 में भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है, तो ये हुआ है आपका उमंग ऐप के थ्रू। अगला है 2024 में साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साहित्य का नोबल पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा हेंग कांग को। अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए जो मेंबर चुने गए हैं कितने मेंबर चुने गए हैं, वो चुने गए 18 मेंबर। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो राफेल नडाल का संबंध जो है आपका ये है आपका स्पेन से, ये टेनिस खिलाड़ी है। अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के मध्य संयुक्त चंद्रमा मिशन लुफ्वैक्स मिशन को मंजूरी दी है, तो ये दी है आपके जापान के मध्य। 2024 में रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार किस शोधकर्ता को दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए जो नोबल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, वो दिया जाएगा आपका डेविड बेकर, डेमिस हमाविस और जॉन एम जंपर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। 219वां क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन एलिमिनेशन के लिए सम्मानित किया है, ट्रैकोमा का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है। ठीक है, इसका संबंध है आपका आंखों से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी की गई प्रमुख इंटरेस्ट रेट में कौन सा असत्य है पूछा गया है। ठीक है, कौन सा असत्य है, तो देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट में राइट ऑप्शन जो जहाँ पर असत्य में टिक करूँगा, ठीक है, बाकी देख लेंगे हम। बैंक रेट जो है 6.25 नहीं है, गलत है आपका। बाकी रेपो रेट 6.5% है, SDF रेट जो 6.25 है और MSF रेट है 6.75 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किस स्थान पर नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है, तो इसको मंजूरी दी है लोथल गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है, ये किया गया है मुंबई में। कैश सेयस सिंह अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, किस अफ्रीकी देश के यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये चुने गए आपके ट्यूनिशिया के। चर्चा में रहा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका बिहार में है। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा आपका जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। जिमनास्ट दीपा कर्मकार ने संन्यास की घोषणा की है, दीपा कर्मकार किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, इनका संबंध है आपका त्रिपुरा से। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल के रूप में विस्तार दिया है, किसको कार्यकाल विस्तार दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये दिया गया है एम राजेश्वर राव को। किस देश में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, इसका किया जाएगा लाओस में। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, ये किया गया 50वां संस्करण यहाँ पे किया गया है, तो 50वां है तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं, यहाँ पे देखिए 10 साल बाद इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में अभी, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो JKN, इनके द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें जीती गई हैं। अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश के लिए। पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर यहाँ पे रहा है, तो भारत का स्थान रहा यहाँ पे पहला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा, तो ये खोलेगा आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता और अंग्रेजी साहित्यकार KK N दारूवाला का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इनको जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था आपका 2014 में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट। निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा का या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, ये किया गया है
विक्टर एम्ब्रोस एवं गैरी रुपकोनु को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन है 237वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर है, तो गुड़िया, ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की हुई है, ये की हुई है राजकुमार हिरानी को। चर्चा में रहा बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजूत मोइना योजना शुरू की हुई है, तो ये शुरू की है आपका असम सरकार के द्वारा। 241वां है, रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस कनेक्ट TF कनेक्ट 4.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सोंग बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता है, तो ये जीता गया आपका पंकज आडवाणी के द्वारा। अगला है सुल्तान जौहर कप का आयोजन किस देश में किया गया है, तो सुल्तान जौहर का जो आयोजन किया गया है ये किया गया आपका मलेशिया में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट। अगला है अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ये जीता है वासीम जिला, ठीक है। अगला है किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम जो शुरू किया है, ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये किया गया आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला है भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ये बन गई है आप भारत जो अर्थव्यवस्था बनी है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस मंथ में यह वन्यजीव सप्ताह यहाँ पर भारत में मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर में। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में RBI के कार्यकारिणी निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो RBI का कार्यकारिणी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया आपका अविरल जैन को। 249वां क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के साथ कौन से देश भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें यहाँ पे कौन से देश शामिल होते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका, ठीक है, ये इसको इनका इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में इसके पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दो आएंगे और जिसमें हम पूरे 250 के 700 क्वेश्चन पूरे आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।